त्या पराठीला पाण्याची आवश्यकता टायमाला महत्त्व राहते तर पाणी दिल्यामुळं ती पराठी चांगल्या तऱ्हेने वाढ झाली आहे तिची वाली कशामुळे तर पाण्यामुळं ते पैशाची कमतरता राहत होती पहिले तशी आता कमतरता नाही पोहून ना राहिली हा जो नाला आहे आमच्या गावात तर हा प्रत्यक्ष वरदान शेतकऱ्यांसाठी ठरून राहिलेला आहे सध्या निसर्गायचं अवलंबून राहतं तेवढं काही काम नाही राहिलं पादर तलामुळे विहिरीला जास्त पाणी यायला लागली पातळी वाढ लागलं आमच्या दोन एकराच्या ठिकाणी चार एकराचं ओलीत पाहायला लागलं आता जसं आम्ही पोपई लावून आलो त्यामध्ये आता डाळीम सुद्धा प्लॅनिंग आहे पाणी भरपूर डाळीम डाळिंब प्लॅनिंग मध्ये आले पुढच्या वर्षी पहिले मला हिंमत नव्हती म्हणजे हा व्यवसाय लावला त्यामुळे मला हिंमत आली ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले तथा संसाधनों की कमी का अनुभव करने वाले ये लोग अब संसाधनों की उपलब्धता के कारण शाश्वत विकास के मार्ग पर चल पड़े हैं उनकी आशा आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने बजाज फाउंडेशन का ये काम यहाँ की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है उसकी एक गौरवशाली परंपरा है स्वतंत्रता के साथ ही सामाजिक समरसता का पुरस्कार करने वाले महात्मा गांधी जी का वर्धा की इस भूमि में करीब दस साल तक का वास्तव्य रहा था यही उनकी कर्म भूमि भी थी यही पर उन्होंने रचनात्मक ग्राम विकास की नींव रखी वर्धा के भूमिपुत्रों के लिए यह गौरव की बात है महात्मा गांधी जी इस भूमि में वास्तव्य करे इसलिए जमनाला जी प्रयत्नशील थे उन्होंने प्रेम भरा आग्रह करने से ही महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई का साबरमती आश्रम से होने वाला नियंत्रण वर्धा के सेवाग्राम से करना मान लिया इसी कारण वर्धा स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना सेवाग्राम आश्रम की ये भूमि जमुनालाल जी की ही दान दी हुई है इतना ही नहीं स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्य के लिए दान में दे दी गांधी जी के विचारों के प्रति गहरा लगाव तथा कर्तव्य भावना होने के कारण जमुना जी स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान दे सके उस समय के सारे राष्ट्रीय नेता तथा जानी मनी गांधीजी गांधी जी से मिलने यहाँ वर्धा आते थे और उनका वास्तव्य बजाजवाड़ी में होता था कमल नयन बजाज आचार्य विनोबा भावे को गुरु मानते थे विनोबा जी के साथ उनके निकट संबंध थे बजाज परिवार की नई पीढ़ी भी सामाजिक समरसता बनाने के काम में प्रयत्नरत है बजाज फाउंडेशन के माध्यम से शिशिर बजाज तथा उनका परिवार जमुनालाल जी और कमल नयन बजाज के सामाजिक कार्य की महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है पानी जीवन है मनुष्य के विकास में पानी का बड़ा महत्व है इसी कारण भारत की बड़ी नदियों की घाटियों में मानवीय जीवन का विस्तार हुआ इसलिए बजाज फाउंडेशन ने जल व्यवस्थापन को केंद्र में रखा है साथ ही कृषि सुधार अपारंपरिक ऊर्जा का विकास और उपयोग गोपालन महिला सक्षमीकरण लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा अर्थसहाय देना व्रत बजाज फाउंडेशन ने लिया हुआ है वर्धा के जिले के पासो गांव वहां के पैंतीस हजार परिवारों के करीब दो लाख दस हजार सदस्य अब विकास की राह पर बढ़ रहे हैं और यही बजाज फाउंडेशन के कार्य की यशस्विता है इस जिले में वर्षा का प्रमाण बड़ा है मूसलाधार बारिश से नदियों नालों में बाढ़ तो आती ही है और समतल भूमि वाले खेतों में पानी रुका रहने से खड़ी फसल सड़ जाती है जैसे किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए बजाज फाउंडेशन ने नदी और नालों में जमा कचरा निकाला जिससे पानी बह निकले इस उपाय के दृश्य परिणाम तुरंत दिखने लगे नाला होता आता हे बनल्या गेला आहे या बजाज फाउंडेशनतर्फे बनवून घेतला आहे यावर्षी तर पाणी खूप झाला यावर्षी आम्हाला काहीच नसतं झालं त्या नाला बनला याच्यामुळं कसं ह्या पाण्याने आमचं पीक वाहत गेलं नाही नंतर दुसरी गोष्ट अशी का हा नाला जे याचा बनला हाय या हे गड्डे केले आहे म्हणतात याच्यात पाणी साठा होते याच्यात बजाज फाउंडेशनने नदी के 125 किलोमीटर लंबाई में पुनर्जीवीकरण प्रकल्प अमल में लाया जिसका फ़ायदा 42 गांवों के 5000 किसान परिवारों को मिला नदी के प्रवाह से अड़चने हटने से पानी सर्वदूर पहुंचने लगा ऐसा लाभ 15,500 एकड़ जमीन को मिला जगह जगह तालाब बनाकर पानी जमा किया गया इन उपायों के कारण बाढ़ की तीव्रता कम हो गई और साथ में ही पानी की उपलब्धता बढ़ गई इससे विनोद हरिभाऊ कुंभारे जैसे किसानों की खेती खेतीचे होण्यावाली आमदनी भी बढ गेली कमलनयान बजाज संस्थेअंतर्गत हा जो नाला आहे आमच्या गावात ता प्रत्यक्ष वरदान शेतकऱ्यांसाठी ठरून राहिलेला आहे सध्या तर याची लांबी सातशे मीटर आहे तर या सातशे मीटरमध्ये सतरा कास्तकार सतरा शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊन राहिलेला आहे म्हणजे या शेतांना जवळपास कॅनलचं जे पाणी आहे धाम प्रकल्पाचं जे पाणी आहे उशिरा भेटाचं आता कसं आहे या पाण्यामुळं त्यांना बिलकुल चिंता राहिलेली नाही नदी नालों से कचरा और जमी हुई मिट्टी निकालने से वहाँ जमीन में पानी रीसने की क्रिया को गति मिलती है फाउंडेशन ने बांध बनाकर इसे और पुख्ता किया जिससे राजेंद्र लटारे जैसे किसानों को बारिश के बाद भी पानी मिलने लगा बनारा एकदम अति महत्व सा है बनारा मुड़ा कहा जावर एवडो पानी वाड़ इतना पानी टूटना नहीं पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के बाद किसानों को अधिक फसलें लेने के बारे में अवगत कराया गया कपास या धान जैसे पारंपरिक फसलों के साथ साथ पपीता अनार केले जैसे फलों के लहराते बगीचे फाउंडेशन के यशस्विता की पहचान है पहले पाना आमच पीक जो हो तो आता पान का एवडा उपयोग कि आता दोन वर्ष प्लॉट न तो तीन वर्ष टेवा लगलो जवरपास तीन, तीन लाख रुपये जास्त तो उत्पन्न मिला बजाज फाउंडेशन ने ऐसे साठ बांध बनाए हैं परिणाम स्वरूप ग्यारह सौ में पानी का स्तर बढ़ गया जिससे 5000 एकड़ जमीन में सिंचन सुविधा मिल रही है बड़े बांधों की अपेक्षा में ऐसे छोटे बांध किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं ये ध्यान में लेते हुए इन बोरी बांधों को प्राथमिकता से बनाया गया मूंगफली, सब्जियां सब्जियाँ वगैरह उगाना आसान हो रहा है और प्रभाकर लटारे जैसे अल्पभूधारक किसानों को भी अधिक पैसे कमाने का मौका मिलने लगा हम आता उन्हां आता तो पानी टिकन तो आप फल शको बा आता मैं सोयाबीन गहु घेना बोरी बना तो पानी आला है अपने शेता पर बजाज फाउंडेशन ने बनाए हुए सात सौ अठानवे बोरी बांधो के कारण चार हजार किसानों की नौ हजार नौ सौ एकड़ जमीन सींचने लगी करीब सत्तर लाख घनमीटर पानी जमा हुआ फाउंडेशन की तरफ से किसानों को पानी संभल के इस्तेमाल कैसे किया जाए इसके पाठ दिए गए सड़सठ किसानों को स्प्रिंकलर सेट देकर पानी की बचत के साधन भी दिए गए तभी आम्मी पायपनी उलटी करास्त वेस्टेज जा दा दा। दोन तीन मानस पानी ओलाजे स्टिंकर लाइन दीजिए एक मानस बढ़ता पानी की बचत जाएगी मग्वेस आम्मी भेंटी उपयोग किया वर्धा के चार बजाज छे ने बजाज फाउंडेशनने ठिबक सिंचन प्रणाली का लाभ उठाया इसके कारण खाद की उचित मात्रा तथा फसल के लिए प्रमाण पानी पाणी किसानों के लिए सुलभ हुआ ड्रीप जी आहे ती मागच्या वर्षी मार्च मे एप्रिल महिन्यात लावलेली माझ्या जुन्या केळी होत्या केळीवर मी फिट केली तसं मला साडेपा पाच एकराला मी लावली जमिनीतून जी वाफ निघते पाणी दिल्यानंतर ती झाडांना त्रास देते त्या वाफेमुळं झाडाचं बेकार होतात झाडं आणि तो प्रकार याच्यात होत नाही म्हणजे फक्त झाडाजवळ बुंद्याशी पाणी पडतं बुंद्याजवळ सावलीच असते त्याच्यामुळे तिथे काही वेपरायझेशन होत नाही तेवढं बाकीच्या साईडला पाणी जात नाही तिथे तणही वाढत नाही ती एक फायदा होऊन जातो त्याच्यामुळे व्यवस्थित ग्रोथही व्यवस्थित होते झाडाची आणि झाडंही व्यवस्थित राहतं अडीच हजार केळी आहे पंचवीस हज़ार रुपये टोटल खर्च आला वार्षिक आनीत मेरा जवर जवर पंचहत्तर के ऐंसी हज़ार उत्पन्न टोटल निकत तो मे पन्नास हज़ार रुपये माला वाचता तसे विदर्भ की भौगोलिक स्थिति जिले का पर्जन्यमान तथा जमीन इन सबके अभ्यास के बाद बजाज फाउंडेशन ने ऐसे जरूरतमंद किसानों के लिए खेतों में पाझर तालाब बनाए जिनके लिए सिंचन की कोई व्यवस्था नहीं थी इससे कुओं में पानी का स्तर बढ़ा और साल में दो या तीन फसले लेना आसान हुआ या पाझर तलावामुळे या परिसरातल्या दीड दोन किलोमीटरच्या अंतरामध्ये विहिरीची जी लेवल आहे ती लेवल वाढण्याचं काम पातळी वाढण्याचं काम या पाझर तलावाच्या माध्यमातून दरवर्षी होते आहे जेव्हापासून माझ्या शेतात पाणी झालं तेव्हापासून मला त्याचा फायदा झाला अगोदर माझं शेत असंच होतं करोड होतं पाणी नव्हतं शेतामध्ये मजा वावर मी शेता शत खोद मी पानी बोलू सकते मैं जिथे चार क्विंटल होता था तथा आठ क्विंटल पिकला बजाज फाउंडेशन ने पंद्रह सौ खेतों में ऐसे तालाब बनाए जिससे सामान्य किसान की खेती को साल भर के लिए पानी उपलब्ध हुआ इस तरह 1500 परिवारों को लाभ मिला वना नदी है उत्तर दक्षिण अच्छी दिशा ये पानी ने लाए इतने सरव पूर्वे कड़े दोन किलोमीटर जिले के समुद्रपुर देवड़ी तथा सेलू तहसीलों में बहने वाली धाम वाना और वर्धा ये तीन नदिया यहाँ के लोगों के लिए जीवन दायनीय है बजाज फाउंडेशन ने इनका पानी खेतों तक पहुँचाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं बनाई पानी जर रहे तो आप करू सको आम पोपी लगव के लिए समोर निंबू लावला आहे दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यालाही त्याचा फायदा होणारच आहे एक वर्षानंतर आम्ही एक प्रोजेक्टसुद्धा पुन्हा घेणार आहोत त्याच्यामध्ये स्ट्रॉबेरी लावणार आहोत पॉलिओ पूर्ण पॉलिओस आणि स्ट्रॉबेरी लावायचा आमचा विचार आहे बजाज फाउंडेशनने लिफ्ट एरिगेशन की पचास योजनाएं बनाई है जिससे तीन किसानों की 1500 एकर जमीन सिंचने लगी बजाज फाउंडेशन छोटे अल्पभूधारक किसानों को केंद्र में रखते हुए अपनी विकास योजनाएं बनाता है पांच से दस किसानों के एक गुट या समूह को डीजल इंजन और एक हजार फीट पाइप दिए जाते हैं इससे संसाधनों तथा पैसों की बचत तो होती ही है और समूह खेती की कल्पना के बीज उनके मन में बोए जा रहे हैं अब छोटा किसान भी कुएं या नदी का पानी अपने सुदूर खेतों में सींच सकता है बजाज फाउंडेशनकडून जी सबसिडी भेटत होती तर त्यामार्फत आम्ही चार कास्तकार मिळून डिझेल इंजिन घेतलं आहे सामूहिक डिझेल इंजिन म्हणून डिझेल इंजिनवरती जसं पराटीला पाणी द्यायचं राहिलं स्प्रिंकलर लावून देतो कधी कठण ओलायचं राहिल तेव्हा पण स्प्रिंकलर जिले के चार तहसीलों में बजाज फाउंडेशन द्वारा डीजल इंजिन और पाइपों के ऐसे एक अठरा संच वितरित किए गए गे ग्रुप वेल यानी समूह कुओं की योजना के अंतर्गत दुर्गम इलाकों में बजाज फाउंडेशन ने कुएं खोदे जिसके कारण आदिवासी किसानों को पूरे साल भर पानी उपलब्ध हुआ बजाज फाउंडेशन द्वारा दिए गए इन डीजल इंजनों के कारण ये पानी खेतों को देना भी आसान हुआ इतना जंगल पानी नहीं है तो मैं पानी पाजे ग्रुप एल पांच जन मिल डीजल इंजन है ते सोबत मिळालं आहे म्हणजे जेव्हा वीर नव्हते तेव्हा अर्ध अर्धच पीक व्हायचं पाच सहा क्विंटल व्हायचा कापूस तर आता अठरा ते वीस क्विंटल कापूस होतो एका व्यक्तीला आता आपल्या अशी उत्पन्न वाढलं गाडी घेतली मी फुल बगीचे आहे तर याच्यापासून आपल्याला नाही होऊ शकते गाड़ी पाई नहीं पहले अपनी स्वतः गाड़ी है फाउंडेशन के वाड़ी प्रकल्प की मदद से अल्पभूधारक तथा आदिवासी किसानों को आमदनी का एक शाश्वत स्रोत मिला अब यहाँ आम काजू नीम आमला